रूबा जी, सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन की। तो सोयाबीन में हमने देखा है कि एक अच्छी रैली निकलती है, सामने आ रही है। विदेशों में भी सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा भी अब धीरे धीरे तेजी की ओर जाता नजर आ रहा है। 6650 का तक का तो हाई हम देख चुके हैं। वहीं यूएस सोयाबीन भी $1,580 के ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सत्र में। ऐसे में आपको क्या लगता है, आने वाले समय में अब यहाँ से सोयाबीन का बाजार कैसा रह सकता है? सोयाबीन जो है वो सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितनी तेजी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तेजी फिलहाल रुकी हुई है। अभी 6800 से 7000 का स्तर सोयाबीन में आ जाना चाहिए था, और अभी बाजार जो है काफी सुस्त है। और जहां तक ओवरऑल फंडामेंटल की बात है तो बाजार काफी सपोर्टेड है। अमेरिका में अमेरिकी सोयाबीन के एक्सपोर्ट्स में भी हमें इजाफा देखने को मिला है। तो लगातार जो फंडामेंटल सिनेरियो है वो काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे चलकर मुझे लगता है कि कीमतों में सपोर्ट आ सकता है और प्राइजेस एक बार 7000 का स्तर छूते हुए नजर आ सकते हैं। जी, सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।